भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पूर्व से विदित है कि इस चैनल पर हम साप्ताहिक भागवत कथा की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही सरल विधि से। मित्रों, बड़े हर्ष की बात है कि हमारे परिवार में सदस्य बढ़ते जा रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, किंतु आप लोग एक कंजूसी भी कर रहे हैं कि आप वीडियो को वॉच तो करते हैं किंतु लाइक करने में वीडियो को और उसको शेयर करने में और उस पर कमेंट करने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं। भाई, अगर हम किसी का धन से सहायता नहीं कर सकते और कहीं से हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है, अगर वो ज्ञान हमको पसंद आता है तो उसको कम से कम अगर हम वॉच कर रहे हैं तो उस ज्ञान को पसंद आने पर उसे लाइक तो करें, उस वीडियो को शेयर तो करें, उस पर कमेंट्स तो करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी लोग जुड़े हैं, वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं किंतु उसमें सभी लोग ना तो लाइक करके जाते हैं और ना ही कमेंट्स करके जाते हैं, बस अपना मोटो वो जो है वो सीधा करते हैं कि भाई उनका उद्देश्य है कि हमें हमारे कथा की जो तैयारी का क्रम है उसमें से यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में राधे राधे बोलें, और जो नए लोग भी जुड़ रहे हैं परिवार में वो परिवार की सदस्यता ग्रहण करें और रेड बटन को दबा करके, सब्सक्राइब की बटन को दबाएं, सदस्यता ग्रहण करें, पास में बने घंटी के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आगे भविष्य में इसी चैनल पर भागवत के बाद रामकथा की तैयारी, गीता जी की तैयारी, प्रवचन की तैयारी सभी आपको इस चैनल पर मिलेंगी। इसलिए इस चैनल पर जुड़ते जाएँ और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। मित्रों, तृतीय दिवस की कथा कैसे बोलें, पार्ट फोर तक आपने श्रवण किया, आज हम पार्ट फाइव बना रहे हैं। पार्ट फोर में आप सभी ने श्रवण किया था कि जब परीक्षित ने राजा सुखदेव जी से, जब राजन परीक्षित ने श्री गुरुदेव भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो श्री सुखदेव भगवान ने राजन परीक्षित से कहा था कि तीन कार्य, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, और इस संसार में प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के दर्शन, अन्यथा नाना प्रकार से इस संसार में जीव माया में फंसता है, सोने खाने उठने बैठने जागने में ही अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर देता है। किंतु हे राजन, जिसको मुक्ति पानी है, इन भवबंधनों से मुक्त होना है, उसे भगवान की कथा को श्रोतव्य और उनके नाम का कीर्तितव्य, उनके स्वरूप का स्मर्तव्य करना चाहिए। अगले क्रम में श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को प्रथम स्कंद के बाद, यह द्वितीय स्कंद चल रहा है, और द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन विस्तार से सुनाते हैं। इसके उपरांत में श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को बताते हैं द्वितीय अध्याय के तृतीय स्कंध में, ये जो है द्वितीय स्कंध है और तृतीय अध्याय है, तो द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय में श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जीवात्मा जो भी इच्छा करती है उस इच्छा की पूर्ति के लिए, जैसे आपने प्रश्न किया है कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने बताया था ना कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास नहीं खोए। तो इसी प्रकार से अगले क्रम में श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को बता रहे हैं, हे राजन परीक्षित, ये आप देख रहे हैं ना द्वितीय स्कंध तृतीय अध्याय, तो द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय में कि कौन सी कामना के लिए किस देवता की उपासना करनी चाहिए जिससे कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, श्लोक संख्या दो, इंद्रियम कामस्तु प्रजा काम प्रजापतीन, इंद्रमेन्द्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतीन। तो अर्थात सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस व्यक्ति को इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो,
उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए, और जिसे संतान की कामना हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। अगले तृतीय जो है श्लोक में सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, देवी मायाम तु श्री कामस्ते जस कामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामो अथ वीर्यवान। देवी मायाम तु श्री कामस्ते, देवी मायाम तु श्री कामस्ते जस कामो विभावसुम। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, और जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे, किंतु जिसे धन चाहिए वह वसु कामो वसून। तो जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जो प्रभावशाली पुरुष को वीरता की इच्छा हो तो वो क्या करे, वीर्य कामोर्थ वीर्यवान। वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। तो कहते हैं जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। अगले क्रम में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, आयुष कामोस्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरो। आयु की इच्छा जिसके मन में हो कि हमारा उम्र जो है बढ़ जाए, लंबी आयु हो, उनको किसकी पूजा करनी चाहिए, अश्विनी कुमारों की, और पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा का महापुरुष हो, जिन्हें प्रतिष्ठा की चाह हो तो वो लोक माता पृथ्वी की उपासना करें। पुरुषो रोदसी लोक मातरो हो, और कहा रूपा भी कामो गंधर्वान, रूप की कामना के लिए, सौंदर्य की कामना के लिए जो चाहते हैं बहुत सुंदर दिखें, हमारा बहुत सुंदर शरीर हो, तो वो गंधर्वों की उपासना करें। स्त्री कामोपसर उर्वशीम, तो स्त्री कामोपसर उर्वशीम, तो जिसको स्त्री की इच्छा हो वो उर्वशी की, सुंदर पत्नी की जिसको अभिलाषा हो वो अप्सरा उर्वशी की उपासना करे। इसी प्रकार से कहते हैं, विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमा सतीम। जिनको विद्या चाहिए, जिन बच्चों को, उन लोगों को भगवान शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। जो चाहते हैं हमारी बुद्धि प्रखर हो जाए, हम विद्यावान हो, हम जो भी पढ़े वो हमें कंठस्थ हो जाए, हम अच्छी विद्या को अपने जीवन में प्राप्त करें, तो ऐसे जीवों को क्या करना चाहिए, विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या की कामना के लिए भगवान गिरिजापति की उपासना करें। और दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, दाम्पत्यार्थ उमा सतीम, तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे उसके लिए भगवती सती की उपासना करनी चाहिए। किंतु जिसकी कोई इच्छा ही ना हो उसे क्या करना चाहिए, जिसकी कोई इच्छा ना हो वो ठाकुर जी की उपासना करें। कहते हैं श्लोक संख्या 10 में सुखदेव भगवान, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिहि, यानी कि जिसको कोई इच्छा ना हो वो ठाकुर जी की उपासना करे। मतलब क्या ठाकुर जी की उपासना करने से कुछ प्राप्ति नहीं होती, ऐसा नहीं कहा। कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि, जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे किसी कामना से भगवान का पूजन करे, और चाहे निष्काम हो करके समस्त कामनाओं से रहित हो करके तीव्र भक्ति योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करे। जिसके मन में कोई कामना न हो वो ठाकुर जी की पूजा करे, निष्काम होकर के तीव्र भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति करे, और जिसके मन में कोई कामना नहीं होती तो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति तो ठाकुर जी स्वयं करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी जो होती है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ले लेते हैं। इसीलिए
जिनके मन में कोई इच्छा नहीं है वो अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दें और ऐसा भाव रखें कि जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, हम तो अकर्ता हैं, ठाकुर जी करता हैं, परमात्मा ही वास्तविक में करता है और हम तो अकर्ता हैं। जो अपने आप को कर्ता समझ लेता है वो मूर्ख है, हम अकर्ता हैं, हमसे ठाकुर जी जो करवाते हैं हम वही करते जाते हैं। तो इस भाव से निष्काम भाव होकर के जो तीव्र भक्ति योग से ठाकुर जी का पूजन अर्चन करते हैं उनकी सारी जिम्मेदारी तो भगवान ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ देखो ये टॉपिक वैसे तो बहुत कम वक्ता सुनाते हैं, पर इसको सुनाने का, इसको बताने का केवल एक ही अभिप्राय है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब मंच पर कथा सुनावें तो इस चैप्टर को जब भी हम और आप पढ़ें तो केवल एक ही बात बतानी है कि जब सनातन वैदिक पद्धति में भागवत जी के अंदर जिस कामना की इच्छा हो उस कामना की प्राप्ति के लिए उस देवता का पूजन वंदन बताया गया, उसके उपरांत में भी जिस भारत भूमि में सनातन वैदिक धर्म में 33 कोटि देवता हैं, हर प्रकार की इच्छा के लिए अलग अलग देवता की उपासना पद्धति बताई गई, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म में भी रह करके न जाने कितने अली मौलाओं के दरवाजे पर जा करके हरी चादर चढ़ा करके अली मौला करते फिरते हैं, न जाने कितने लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अरे जो भी प्राप्ति करनी है वो हमारे भगवान देते हैं। जब हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं, हर इच्छा की पूर्ति हमारे भगवान करते हैं, तो हमें दूसरे अन्य धर्मों के देवताओं के पास में क्यों जाना? ये वही धूर्त लोग हैं जो ना तो अपने देश के लिए कुछ करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं, खुद तो पथ से भ्रष्ट हैं ही और दूसरों को भी पथ से भ्रष्ट करने का कार्य करते हैं। तो याद रखें, जीवन में सदैव सबको प्रेरित करें कि हर काल समय परिस्थिति में हमें अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव कम नहीं करना है। हमारी कोई भी इच्छा है, कोई भी संकल्प है, आज नहीं तो कल ठाकुर जी पूरा कर ही देंगे, किंतु ऐसा नहीं है कि भगवान से प्रार्थना पूजा की और उसका फल नहीं मिला तो हम किसी अल्लाह अली मौला साईं के दरबार में जाकर के चादर चढ़ा करके उनको प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें। इसी से हमारा धर्म आज खतरे में जा रहा है, हमको इस बात पर विचार करना होगा। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ कर और जब उनको पूजा पाठ का फल नहीं मिलता तो वो घबरा जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अरे मैंने तो बड़ी पूजा की, उसका फल ही मुझे नहीं मिला। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको यदि फीवर आए, बुखार आए, तो आप क्या करते हैं? जल्दी शीघ्रता से ज्वर को शांत करना है तो हम अंग्रेज़ी दवाई का सेवन करते हैं, और अंग्रेज़ी दवाई लेने से वो ज्वर जो है उसका ताप कम हो जाता है, किंतु फीवर आने पर अंग्रेज़ी दवाई लेने जाएं और फीवर की जगह कोई गलत दवाई हमें मिल जाए और वो अंग्रेज़ी दवाई यदि हम खा लें तो बीमारी कोई और थी और दवाई कोई और ले ली, वो भी अंग्रेज़ी, तो वो फ़ायदा तो नहीं करेगी किंतु उसका रिएक्शन बहुत विकट होगा। रोग कोई और था, दवा कोई और ले ली और वो भी अंग्रेज़ी, तो उसने रिएक्शन कर दिया। किंतु यदि हमें कोई भी रोग है और हमने कोई आयुर्वेदिक दवा ली तो उसका फल एकदम तो नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, किंतु यदि रोग कोई और था और दवा आयुर्वेदिक कोई और खा ली तो उसका रिएक्शन कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आयुर्वेद में रिएक्शन नहीं होता, अंग्रेजी दवाइयों में रिएक्शन हो जाता है गलत प्रयोग करने पर। तो भाई आयुर्वेद का फल जो है वो थोड़ा धीरे मिलता है, इसीलिए लोग अंग्रेजी दवाई के पीछे ज़्यादा भागते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आयुर्वेदिक दवा यदि फ़ायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती, किंतु अंग्रेजी दवा जितना फ़ायदा करती उतना ही नुकसान भी करती है। कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि जो अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भाव से पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, नाम जप में निष्ठा करते हैं, उनको फल निश्चित ही मिलता है, भले ही आयुर्वेद की तरीके से कुछ दिनों बाद मिले, जब हमारी प्रतीक्षा की
जो है शक्ति खत्म हो जाए तब उसका फल मिले, किंतु मिलेगा जरूर, ये विश्वास रखना चाहिए। किंतु यदि हम अली मौला साईं अल्लाह के दरगाह पे जाकर के चादर चढ़ाते फिरेंगे तो साहब समझ लेना कि ये रिएक्शन जब करना प्रारंभ होगा तो उस रिएक्शन को आप झेल नहीं पाएंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताएं कि भाई आपकी जो भी इच्छा है वो हमारे देवता ही पूर्ति कर देते हैं, इसलिए आपको संसार में कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो एक बार ज़ोर से बोलिए राधे राधे। अब श्लोक संख्या 19 पे आते हैं। नैमी सारण के क्षेत्र में सौनकादिक मुनि सूत भगवान से कहते हैं, हे गुरुदेव, राजन परीक्षित ने और क्या क्या प्रश्न सुखदेव भगवान से किए, वह सब हमें विस्तार से बताइए। हे प्रभु नारायण, इस संसार में जितने भी जीव आते हैं, खाते पीते मरते तो सभी, ये तो सब कोई करते हैं, भोग करते हैं, उदर का भरण पोषण करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, ये तो सब कुछ कर, ये तो जो है कि कुत्ता भी कर लेता है, श्वान भी कर लेता है, किंतु राजन परीक्षित ने वह कौन कौन से प्रश्न सुखदेव भगवान से पूछे, क्या वह नियम श्रवण किए सुखदेव जी से जिनके करने से जीव का कल्याण होता है। यहाँ पर सौनकादिक मुनि कहते हैं, हे गुरुदेव, श्वविड वराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नायत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। 88,000 ऋषि शौनकादिक मुनि भगवान सूत जी से कह रहे हैं, जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊँट और गधे से भी गया बीता है, इसलिए हमें तो भगवान की कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। आगे भगवान की कथा सुना करके सुखदेव जी ने राजन परीक्षित के कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर देके उनके संशय को नष्ट किया सो विस्तार से बताइएगा। सूत भगवान कहते हैं, हे सौनकादिक मुनियों, जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया और सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं तो सुखदेव जी के मुख से भगवान की कथा को सुनकर राजन परीक्षित धन्य धन्य हो रहे हैं। और कथा सुनते ही परीक्षित जी ने क्या किया, चतुर्थ अध्याय में श्लोक संख्या पहले में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी ने क्या किया, उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तरेय सतीम व्यधात। राजन परीक्षित ने अपनी शुद्ध बुद्धि जो है कथा सुनते सुनते श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्थात नारायण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। और शुद्ध बुद्धि का मतलब जानते हैं, जैसे पितामह भीष्म चलते चलते भगवान से कहते, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोमनि। पितामह भीष्म कहते, जाते जाते मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ ताकि ये मेरी मति रूपी जो बुद्धि रूपी बिटिया है ये शुद्ध हो जाए। तो शुद्ध बुद्धि कैसी है, शुद्ध बुद्धि कब होगी, जब जीवात्मा संसार से मन को हटा करके स्त्री पुरुष संतान मोह माया अहमता ममता इन सभी से जीव जब अपने मन और बुद्धि को हटा करके भगवान के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर देता है उसी बुद्धि को शुद्ध बुद्धि कहते हैं। सुखदेव जी के मुख से कथामृत का पान करते करते राजन परीक्षित की बुद्धि शुद्ध हो गई और उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया और अपनी बुद्धि को शुद्ध किया। कहते हैं, जिस ज्यों ज्यों परीक्षित जी भगवान के मुख से कथा सुन रहे हैं त्यों त्यों उनके मन में परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम भाव जागता जा रहा है। समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानगः तमो वशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथां। श्री
परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। कहने का भाव है, जीवात्मा जब संसार के बंधनों को तोड़कर गुरु के चरणों में आश्रित हो जाता है तब गुरुदेव भगवान की कृपा से, कृपा प्रसाद से, सत्संग की वृष्टि से, सत्संग रूपी जल से अपने हृदय रूपी खेत में बैठे हुए अंधकार रूपी बीज को नष्ट कर देता है और ज्ञान के बीज को डालकर धर्म के पौधे को धीरे धीरे बड़ा करना प्रारंभ करता है। इसी प्रकार श्री सुखदेव भगवान के मुख से सत्संग रूपी जल की वृष्टि हो रही है और सुखदेव जी का हृदय जो है आह्लादित हो रहा है, आनंदमय हो रहा है और अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है और भगवान के प्रति प्रेम होता जा रहा है। अगले क्रम में प्रश्न करते हैं श्री राजन परीक्षित, हे गुरुदेव मुझे विस्तार से बताइए कि परमात्मा इस माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, माया रूपी संसार की रचना कैसे होती है, भगवान जीवों को बनाते कैसे हैं, सृष्टि की रचना क्रम को विस्तार से हमें समझाइए। और जब परीक्षित ने कहा सृष्टि के रचना का विस्तार क्रम हमें सुनाइए, तब महाराज सुखदेव जी को याद आया, अरे परीक्षित ने प्रश्न किया, मैंने कथा कहना प्रारंभ किया और मंगलाचरण तो मैंने किया ही नहीं। तब यहाँ पर भाई जब कोई भी कथा कहते हैं तो मंगलाचरण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति ध्यान श्रद्धा भाव समर्पित करना। बिना गुरु के, बिना भगवान की कृपा के तो हम कथा कह ही नहीं सकते। और वास्तविक में यहाँ पर अब श्री सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं श्लोक में, और वास्तविक में भगवान की कृपा के बिना तो भगवान की कथा को कहा नहीं जा सकता। सुखदेव जी कहते हैं, मैं कथा कहने का सामर्थ्य नहीं रखता, पर गुरुदेव और भगवान की कृपा से कथा कहने का सामर्थ्य जीव के अंदर आ जाता है। वास्तविक में आप भगवान की कृपा का अनुभव पग पग में करेंगे यदि आप परमात्मा से प्रेम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ याद करते हैं और विचार करते हैं कल हमें इसको मंच पर बोलना है, किंतु भगवान की कृपा नहीं होगी तो कितना भी याद करके जाओ किंतु आप वह बोल नहीं पाएंगे। और कभी कभी आपने एक श्लोक एक ही बार देखा हो, उसको कभी कंठस्थ भी न किया हो और राधा माधव की कृपा है तो आप उसको नहीं बोलना चाहते, फिर भी जिभ्या पर अनायास वो बात, वो श्लोक आएगा और आप उसको पूरा व्याख्या सहित बोल देंगे, तो ये भगवान की कृपा है। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के गुण का बखान बिना गोविंद की कृपा के जीव नहीं कर सकता। श्री सुखदेव भगवान मंगलाचरण करते हैं श्लोक संख्या 15 में, बड़ा सुंदर भाव। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यदवंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत कीर्तनम, सुखदेव जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनका श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन श्रवण जो है, उन पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। तो भाई भगवान को नमस्कार कर रहे हैं सुखदेव जी, किंतु उनका भाव क्या है? उनके कहने का भाव एक इस श्लोक में केवल एक ही है। सुंदर भाव से श्रवण करें श्लोक संख्या 15 के बाद 17, ये भी जो है मंगलाचरण का श्लोक है। क्या कहते हैं सुखदेव जी? तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी, चाहे कितना भी बड़ा तपस्विनो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, दान परा कितना भी बड़ा दानी हो, यशस्विनो कितना भी बड़ा यशस्वी हो,
कितना भी बड़ा सदाचारी हो, मनुष्यविनो मंत्रविदः, कितना भी बड़ा मंत्रवेदा हो, मंत्रवेत्ता हो, किंतु जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। कहने का भाव है कि इस संसार में हम और आप कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े तपस्वी बन जाएं, चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाएं, चाहे कितने भी बड़े मंत्र के ज्ञाता हो जाएं, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, किंतु यदि अपने अंदर से अहंकार नहीं निकाला, अहंकार रूपी बीज नहीं निकाला, तो समझ लीजिए कि आपको जलकर नष्ट होना पड़ेगा। इसीलिए ये अहंकार रूपी जो बीज आपके हृदय में बैठा है, इसको मिटाना बहुत आवश्यक है। सुखदेव जी कहते हैं, तपस्वी बने, योगी बने, मंत्रवेत्ता बने, कुछ भी बन जाएं, किंतु अपने आप को अकर्ता ही माने, कर्ता केवल परमात्मा को माने। अपने जीवन में जो भी कार्य हो रहा है, उसका श्रेय ठाकुर जी को देना प्रारंभ कर दें। और जिन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया, वो जीव कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सदैव जब भी कोई चर्चा करें, तो बस यही कहें, मैं नहीं करता, मेरे राम जी ने किया, ऐसा मैंने नहीं किया, मेरे राम जी ने किया, ऐसा हम नहीं करते, ऐसा मेरे राम जी करा देते हैं। कहने का भाव है, इस संसार में जब जीव अपने आप को अकर्ता मान लेता है और परमात्मा को कर्ता मान लेता है, और मन से ये अहंकार रूपी बीज निकाल देता है कि जो मैं ये हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जिस दिन ये अहंकार का बीज निकल जाता है कि जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आप पर बरसना प्रारंभ हो जाएगी। बस एक ही भाव रखिए कि जो भी इस संसार में होता है वो गोविंद करते हैं, और जो भी आगे होगा वो भी परमात्मा ही करेगा। हम तो उनकी कृपा पर नाच रहे हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, भाई भगवान पूरी दुनिया को नचा रहे हैं और हम उनके हाथ की कठपुतली हैं। ये जीव को ज्ञान होना चाहिए, तेरे हाथ की हम कठपुतली, जैसे चाहे नचाले मुरलिया बाले, जैसे चाहे नचाले मुरलिया बाले। हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं और सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से गीता में भी उपदेश देते हैं भगवान अर्जुन को कि जब जीव अकर्ता बनता है और कर्म करता जाता है, भगवान को कर्ता बना लेता है और कर्म फल की इच्छा त्याग देता है, तो समझ लो हे अर्जुन, उस जीवात्मा का कल्याण होने से कोई इस संसार में रोक नहीं सकता। किंतु दुर्भाग्य है, जीव छोटा सा भी कार्य करता है तो उसको पहले पर्चे में छपवाता है। आजकल लोग मंदिर में दान भी देने जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पटिया पर अपना नाम लिखा के आते हैं। एक कमरे में कोई एक पंखा भी दान में देता है आश्रमों में, तो उस पंखे पर भी अपना नाम बड़ा बड़ा लिख करके टंगवा देता है। तो अब बताइए, जो इंसान थोड़ा सा दान करने पर भी अपना नाम करना चाहता है, तो उस जीव का अहम कभी क्या नष्ट होगा? हो ही नहीं सकता। जब तुम करोड़ों का दान करो किंतु संसार में जताना किसी को नहीं, तो उसी दिन समझ लेना कि आपके अंदर से अहंकार रूपी बीज नष्ट हो गया। किंतु जब तक आपके मन में अहंकार रहे, सबको अहंकार होता है किसी न किसी चीज़ का, कुछ नहीं है तो कोई योगी महापुरुष हो, उसको संसार में किसी बात का अहंकार नहीं तो उसको इसी का अहंकार हो जाता है, हम तो बहुत बड़े योगी हैं। कोई भजनानंदी है, बहुत माला करता है, कहेगा हमको अहंकार नहीं है, किंतु धीरे से कहने लगेगा तुमको पता है कितना भजन करता हूँ, रोज 80 माला करता हूँ। अब उसको कहीं ना कहीं 80 माला का ही अहंकार हो गया। अब कोई साधु महापुरुष अपना घर बार छोड़कर आगे जंगल में तपस्या करते, जब देखो तो लोगों से कहते फिरते, करोड़ों की संपत्ति थी सब छोड़कर साधु बनाऊँ, मेरे जैसा त्यागी पुरुष कहीं नहीं मिलेगा। कहने का भाव है, उसके इस शब्द में अहंकार झलक रहा है। जब जीवात्मा जो कुछ कर रहा है वह वो नहीं कर रहा है,
बार बार ऐसा जताना बंद कर दे तो समझ लो उसके अंदर से अहंकार का बीज नष्ट हो गया। किंतु ये अहंकार का बीज स्वाभाविक शीघ्रता से नष्ट नहीं होता, इसको नष्ट करने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता है। बड़े बड़े साधु पुरुष छोड़कर घरवार छोड़कर पड़े हुए हैं कि अहंकार का बीज नष्ट हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, लेकिन हो नहीं पा रहा। और आजकल के लोग चाहते कि एक ही दो दिन में भगवान की भक्ति करके अहंकार रूपी बीज को नष्ट कर दूँ और भगवान की कृपा मिल जाए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता है। ये तो बहुत दिनों का विषय है, बहुत दिन कठिन प्रयास करना पड़ेगा, तब जीव के अंदर से अहंकार रूपी बीज नष्ट होगा। हम जो भी कार्य करें, हम तो सुबह शाम बस एक भाव से कहें कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो इस भजन को आप नोट कर लें, आज गला खराब है तो आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो इस भजन को आप नोट करें। यहाँ पर इस भजन को गा करके आप बताएंगे कि सुखदेव जी मंगलाचरण में यही भाव कहना चाहते हैं कि जब जीवात्मा अहंकार को नष्ट करके अपने आप को अकर्ता बना के परमात्मा को कर्ता मानकर उनके चरणों में समर्पित हो जाता है तो भगवान की कृपा उसको शीघ्रता से मिल जाती है। ऐसे श्री भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार है। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। तो सुभद्र सर्वसे का कहने का भाव क्या है? कहते हैं कि जब जीवात्मा भगवान के चरणों में समर्पित करके अहंकार रूपी बीज को नष्ट कर देता है तो ऐसे जीवात्मा को भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। तस्मै सुभद्र सर्वसे, भगवान के यश का श्रवण हमें करना चाहिए। भाई हर किसी के श्रवण के यश से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भाई चाहो कि किसी महापुरुष ने कोई बहुत अच्छा कार्य संसार में कर दिया, अब उसका ही यश पूरे दिन सुनते रहें, उससे हमारा कल्याण हो जाए, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। न जाने इस संसार में कितने लोगों का यश गाया गया, क्या सबका यश सुनने से हमारा कल्याण होता? नहीं होता। सुखदेव जी कहना चाहते तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः, केवल भगवान का ही यश ऐसा है जिसको गान करने वाला भी भगवान की प्राप्ति करता और सुनने वाला भी भगवान की प्राप्ति कर लेता। तो भगवान के यश का श्रवण करो जिससे सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। आज के इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, और जो भी चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मित्रों, आपको कोई संशय हो, कहीं पर कुछ समझ में न आए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य बताएँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।